सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार। स्वागत करते हैं आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस लेके आ चुके हैं आपके लिए न्यू वीडियो। तो गाइस ये वीडियो बेसिकली होने वाली है मेरे पोको X3 के 1 मंथ रिव्यू के। गाइस मैंने पोको X3 को लास्ट 1 मंथ पहले मैंने परचेस किया था और अभी तक मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मतलब जो जो मेरे को लगा आज अभी तक, मतलब जो जो प्रॉब्लम, जो जो बेनिफिट मेरे को लगा, मैं आप सबसे शेयर करूँगा और बताऊँगा लास्ट में कि क्या आपको मोबाइल अपडेट करना चाहिए या फिर क्या इस समय पे मोबाइल खरीदना ये सही रहेगा। ये सारा चीज़, ये सारा कन्फ्यूज़न अगर आपके दिमाग में अभी भी है तो इस सब को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और आपका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस वीडियो में बने रहना और पॉइंट वाइज मैं आपको सभी बातें बताऊँगा। तो यार वीडियो में ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, हर आप बात सुनोगे तो यार अगर आप परचेस करने जा रहे हो या फिर आप यूज़र हो तो यार ये सब बात को सुन के और अगर आप अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज शुरू करते हैं यार वीडियो। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अभी देख रहे हो तो लाइक कर दो गाइज जल्दी से, और चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट होने वाला है हीटिंग इशू के ऊपर। तो गाइज़ अगर आप पे अभी भी डिवाइस है तो यार आप समझ सकते हो, ये एंड्रॉयड है, ये हीट तो करेगा, मोबाइल तो कोई भी हीट करेगा, बट आप अगर नॉर्मल यूज़ करते हो इसका तो उतना हीट नहीं करेगा। अगर आप गेम खेल रहे हो यार, गेम तो आप बिना पंखे के नीचे के नहीं खेल सकते, मतलब नॉर्मल यूज़ में ये इतना हीट नहीं होगा। बट मैंने जहाँ तक जितना एक्सपीरियंस किया है, आप अगर गेम खेल रहे हो और अगर आप फ़ैन या फिर कूलर या फिर एसी में अगर नहीं खेल रहे हो तो गाइज़ अगर 1 घंटे आप 1 घंटे खेल लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कितना हीट हो चुका है और मोबाइल लगेगा आपको फट जाएगा। हालांकि फटेगा नहीं, बट इतना हीटिंग आपको लगेगा कि मोबाइल फट गया है। तो गाइज़ यार मैं तो इसके मामले में बहुत ही मतलब कमज़ोर है ये डिवाइस, हीट बहुत होता है। अगर आप पंखे उनके के नीचे नहीं खेलते, पंखे के नीचे खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पंखे और अगर फ़ोन गर्म होगा तो फ़ोन का परफॉर्मेंस डाउन होगा, सॉरी। तो गाइज़ यार वॉइस ओवर वीडियो मेरा कभी कभी बनाता हूँ तो उतना आप यार जज मत करना, बस पॉइंट्स आप क्लियर रखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे गाइज। तो गाइज़ अब आते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस की ओर। तो गाइज़ जैसे कि आप जानते हो इसमें आपको 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है गाइज़। और बैटरी के मामले में मैं इस डिवाइस को अभी तक मैंने जितना यूज़ किया है, मैंने जितना जाना है गाइज़, बहुत ही तगड़ा इसका बैटरी परफॉर्मेंस है। क्योंकि मैं अगर और ऊपर से चार्जिंग भी इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। 1 घंटे में मोबाइल चार्ज हो जाता है और अगर आप 1 घंटे में 100% चार्ज पर अगर आप गेम खेलना शुरू करते हो तो मैं लगभग लगभग 6 घंटे, 6.5 घंटे इजीली रेगुलर गेमिंग कर सकता हूँ 100% चार्ज में गाइस, क्योंकि इसका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जहाँ तक अभी तक मैंने यूज़ किया, अभी तक तो मुझे बैटरी में इसका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया और ना ही चार्जिंग में। इस मामले में ये फ़ोन अभी मेरे को A1 लगा। तो गाइज़ इसमें तो बहुत, अगर आप बैटरी के लिए ले रहे हो, बैटरी के बारे में बिल्कुल मत सोच रहे, क्योंकि बैटरी तो इसकी बहुत तगड़ी है। तो यार बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज़ अब आते हैं इसके टच इशू के ऊपर। तो गाइज़ जैसा कि मैंने जहाँ तक अभी तक देखा, मैंने भी इस मोबाइल को परचेस करने से पहले बहुत रिव्यूज़ देखे, बहुत सारा रिव्यू देखा, बट मतलब हर चैनल पे इसका मेन फोकस था कि टच इशू इसमें बहुत है। बट गाइज़ मैं अगर बताऊँ आपको तो यार मेरे को अभी तक मैंने जितना यूज़ किया, मेरे को तो कहीं भी टच इशू बिल्कुल नहीं लगा गाइज़। लगा मतलब हल्का फुल्का एक दो जगह हो सकता है गेमिंग में, कभी शायद हो गया और रेयर केस, बट मेरे को तो यार टच इशू अभी तक मेरे को अच्छा से मतलब नहीं हुआ गाइज, मेरे को फेस करने नहीं मिला है। तो इस मामले में तो मैं बोलूँगा अभी मेरे हिसाब से तो गाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच इशू तो नहीं है इसमें। अब बाकियों को होगा तो वो उनकी है, बट मेरे साथ जितना है मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो टच इशू का तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो गाइज़ हमारा चौथा पॉइंट है इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। तो गाइज़ यार गेमिंग परफॉर्मेंस से मैं उतना खुश हूँ नहीं इस मोबाइल से, जितना मुझे लगा था कि ये मोबाइल मेरे को जितना परफॉर्मेंस दे सकता है उतना ये मेरे को प्रोवाइड किया नहीं गाइज़। जैसा कि मैं शुरू में इस मोबाइल को बाय किया उस दिन, तो गाइज़ मेरे को यार मतलब शुरू के 3-4 दिन तो मेरे को बहुत मस्त लगा,
बहुत अच्छा, कहीं भी लैग नहीं, बिल्कुल कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल सही चल रहा था। बट गाइज़ उसके बाद एक दो जगह, मतलब अभी तो बिना अपडेट किए तो गाइज़ ठीक चल रहा था, और कहीं कहीं फ्रेम ड्रॉप हो जाते थे। अच्छी लॉबीज़, T1 लॉबीज़ में भी मैंने ट्राई किया, वहाँ लैग हो जाता था बाई चांस, लास्ट जोन में थोड़े मोड़े फ्रेम ड्रॉप हो जाते थे। फिर उसके बाद अब एक हफ्ते के बाद गाइज मतलब लैग होना शुरू हुआ। लैग मतलब क्लासिक में अगर बंदे आ जाते हैं क्लोज ज़्यादा तो यार मतलब लैग हो जाता है, और अगर लैग का मामला है तो आप यार एक बार ये क्लिप देखो। तो गाइज़ यार ये क्लिप देखने के बाद आप तो समझ ही सकते हो लैग क्या होता है। एक तो गाइज़ ये तो लैग आपको कुछ दिखा नहीं, मैं 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आपको इतना लैग दिखा। गाइज़ तो समझो मेरे को गेम में कितना लैग महसूस हुआ, मतलब गाइज़ जब ये लैग हुआ तो मेरे को क्या बताओ गाइज़ अंदर से क्या फीलिंग आया कि ये मोबाइल पे ऐसे लैग कर, वो भी क्लासिक में, वो एक क्लासिक का मैच है गाइज़ और उसमें इतना लैग कर रहा है, तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो गाइज़ ये सोच के मैंने अपडेट कर लिया मोबाइल, और अपडेट में अब मैं आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ ये चीज़। बट अगर गेम परफॉर्मेंस की बात की जाए तो गाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसके गेम परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सो गाइज़ अब आते हैं लास्ट इसके पॉइंट पे, इस मोबाइल को अपडेट करे कि ना करे। तो गाइज़ जब आप ये मोबाइल परचेज़ करोगे तो आपको इसका अपडेट आया नहीं रहता, ओल्ड वर्जन पे ही आपको ये डिवाइस मिलता है, ठीक है। और यार मैं, अगर आप मेरा अगर बात मानोगे, 1 महीना मैंने यूज़ किया है, मैं जानता हूँ, मतलब मैंने अपडेट में भी यूज़ कर लिया और बिना अपडेट का भी यूज़ किया था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यार, अपडेट में मेरे को माइनर फ्रेम ड्रॉप दिखता था गाइस, ठीक है, माइनर फ्रेम ड्रॉप दिखता था। बट गाइस जब से मैंने अपडेट किया यार, मैं क्लासिक का मैच तक रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मतलब इतना लैग हो रहा है। तो यार मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी गाइज अपडेट मत करना फ़ोन, चाहे कोई भी चैनल कोई भी कितना बोल दे। गाइज मैं अपने दोस्तों के बात में आके बहुत उन्होंने बोला बोल बोल के, और एक दो बार तो ऐसे लैग किया कि मेरे को मन किया कि अब अपडेट कर लेते हैं, तो गाइज मैंने अपडेट कर लिया। बट यार ये गलती आप मत करना, इस मोबाइल को अपडेट बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना गाइज, गेम परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप यूट्यूबर हो, आप अगर अपने गेम को रिकॉर्ड करते हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो गाइज़ इसको बिल्कुल भी अपडेट मत करना गाइज, अपडेट नहीं करेगा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, पंखे में खेलो मज़ा आएगा, बट यार अपडेट कर लोगे तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो गाइज़ ये मैं देखो 1 महीना में जो मैंने फील किया वो मैं आपको आज बता रहा हूँ गाइज़। तो यार ये कोई भी प्रमोशन वगैरह तो है नहीं, वो आप भी जानते हो। तो गाइज़ यार जो जेन्युइन बात था वो मैंने आपको बताया। तो गाइज़ यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना गाइज़, और अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना गाइज़। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा प्यार दिखाओ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।